हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच में से एक होता है। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब है। कैसे? देखिए, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिजीज़, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि किसी डिजीज टिश्यू की स्टडी करना। तो हिस्टोपैथोलॉजी पैथोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पर डिजीज टिश्यू की स्टडी की जाती है, यानी कि जो टिश्यू डिजीज से इफेक्टेड रहते हैं उस डिजीज़ की सिवेरिटी और प्रोग्रेशन का पता लगाया जाता है, यानी कि टिश्यू की हेल्प से बॉडी में डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है इस हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके, अब मैं यहाँ पे टिश्यू कह रही हूँ, तो टिश्यू का क्या मतलब होता है? देखिए, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो अगर बॉडी के ऑर्गन के किसी भी टिश्यू में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो टिश्यू का पीस बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है, और अगर पूरे ऑर्गन में ही एबनॉर्मलिटी है तो ज़रूरत पड़ने पर पूरा ऑर्गन भी रिमूव किया जाता है, और फिर ये टिश्यू या फिर ऑर्गन को हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी स्टडी की जाती है, और ये देखा जाता है कि कहीं टिश्यू या फिर ऑर्गन में कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, या फिर उस ऑर्गन या फिर टिश्यू में कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और इसलिए भी स्टडी की जाती है, ये देखने के लिए कि कोई डिजीज़ जो है वो दोबारा से रीअकर ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी स्टडी की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? जब सर्जरी के दौरान किसी लिविंग पर्सन की बॉडी से कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू रिमूव किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं बायोप्सी। सेकेंड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? जैसे कि पोस्टमार्टम वगैरह के टाइम पे जब किसी डेड पर्सन की बॉडी से कोई ऑर्गन या फिर टिश्यू रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। अब देखिए, होता क्या है कि जब टिश्यू या फिर ऑर्गन को बॉडी से रिमूव किया जाता है तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होने लगती हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब बाहर के इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी सेल की मॉर्फोलॉजी को डैमेज करने लगते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि जो टिश्यू के जो ओन एंजाइम होते हैं वही टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। तो अगर टिश्यू का प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस होगा तो हम आगे माइक्रोस्कोप में टिश्यू की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो टिश्यू या फिर ऑर्गन को प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए हम उसको प्रिजर्वेटिव में डालते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं वो होता है फॉर्मलिन, 10% फॉर्मलिन। इसके अलावा आप एसीटोन, पिक्रिक एसिड और मर्क्यूरिक क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो 10% फॉर्मलिन यूज़ किया जाता है। ओके, तो उस बायोप्सी या टिश्यू को प्रिजर्वेटिव में ऐड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, क्योंकि किसी भी टिश्यू में डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो जब भी बायोप्सी या ऑटोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो चेक करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो नोट करनी है, जैसे कि रिक्विजिशन फॉर्म या फिर जो सैंपल के कंटेनर में लेबल है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि जो पेशेंट का नाम है वो उस पर मेंशन है या नहीं, पेशेंट का एज, सेक्स मेंशन है या नहीं, और वो पेशेंट ओपीडी है या फिर वो आईपीडी पेशेंट है, और जिस कंटेनर में सैंपल है वो किस तरीके का सैंपल है, यूट्रस है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, लिम्फ नोड्स है, तो ये चीज़ें भी हमें नोट करनी है। और जिस कंटेनर में सैंपल आया है उसमें प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ सैंपल में चेक करनी है। सेकेंड जो स्टेप है वो है ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग जो होती है वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नेकेड आई से कुछ डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन नोट करनी होती है, क्योंकि अब इतना बड़ा टिश्यू है तो हम पूरे टिश्यू को तो एग्ज़ामिन कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट क्या करता है कि जो टिश्यू का पीस है उसमें देखता है जहाँ जहाँ पे एबनॉर्मलिटी होती है, जहाँ जहाँ पे लगता है कि कैंसर के चांसेस हैं या कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वहाँ वहाँ के पीसेस वो रिमूव कर लेता है कट करके।
ओके, और उसको एक स्मॉल प्लास्टिक की कैसेट्स में रख देते हैं, और वो जो स्मॉल प्लास्टिक की कैसेट्स होती हैं वो उन टिश्यू को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो ग्रॉसिंग में क्या होता है, अपनी नेकेड आई से हम कुछ डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं टिश्यू की, जैसे कि जो हमने पीसेस कट किए वो कितने नंबर में हैं, उनका साइज़ कितना है, अपेरेंस कैसी है, कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। ग्रॉसिंग के बाद थर्ड स्टेप जो है वो है डीकैल्सिफिकेशन। देखिए डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रहता है, जैसे कि बोनी टिश्यूज़, टीथ वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम टिश्यू को आगे स्टेप में जब नाइफ़ से कट करते हैं तो वो नाइफ़ डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम उन टिश्यू को डीकैल्सिफाई करते हैं, ठीक है। हम उनको ऐसे केमिकल में डालते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो केमिकल है वो टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव कर देता है, और कैल्शियम रिमूव हो जाने के बाद वो जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर ईज़ली हम उसको नाइफ़ से कट कर सकते हैं। तो टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करना, इसको हम डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, एसिड डीकैल्सिफिकेशन, ओके, चिलेटिंग एजेंट से भी हम डीकैल्सिफाई करते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स में हम EDTA यूज़ करते हैं। सरफेस डीकैल्सिफिकेशन में हम 5% SCL यूज़ करते हैं। डीकैल्सिफिकेशन मैं आपको किसी और लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करना, इसी को हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ओके। तो डीकैल्सिफिकेशन के बाद टिश्यू की जाती है मेन प्रोसेसिंग, क्योंकि टिश्यू में किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें होता क्या है, टिश्यू को पैराफिन वैक्स की हेल्प से इस लायक बनाया जाता है ताकि टिश्यू को एक हार्डनेस प्रोवाइड हो सके, उसको एक स्ट्रेंथ मिल सके, क्योंकि टिश्यू बहुत सॉफ्ट, बहुत लचीला होता है, और ऐसे में फिर हम टिश्यू को कट करके आगे एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम टिश्यू को पैराफिन वैक्स से ट्रीट करते हैं ताकि टिश्यू में हार्डनेस आ जाए, और इससे फिर हम नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं टिश्यू के सेक्शन को। तो इसीलिए टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है। टिश्यू प्रोसेसिंग की एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस मशीन में अलग अलग जार होते हैं, 1 से लेके 12 तक, और इन जार में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले और दूसरे जार में 10% बफर फॉर्मलिन प्रेजेंट होता है, और तीसरे से आठवें जार में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है जिसका कंसंट्रेशन लोअर टू हायर होता है, जैसे कि 70% अल्कोहल, 80%, 90%, और उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसके बाद 9वें और 10वें जार में ज़ाइलिन प्रेजेंट होता है, और 11वें से 12वें जार में पैराफिन वैक्स प्रेजेंट होता है। चलिए आइए जानते हैं इन केमिकल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग के मेन 4 स्टेप्स होते हैं, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेगनेशन। फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन में हम टिश्यू को 10% फॉर्मलिन में फिक्स करके रखते हैं, क्योंकि जो फॉर्मलिन होता है वो टिश्यू को प्रिजर्व करके रखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को एज इट इज़ बनाए रखता है, और उसकी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है ताकि हमें आगे स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड जो स्टेप है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। तो क्योंकि टिश्यू को अभी हमने फॉर्मलिन से ट्रीट किया है जिसमें पानी भी प्रेजेंट है, तो टिश्यू के अंदर पानी आ जाता है, और जो वाटर होता है वो पैराफिन वैक्स के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसीलिए टिश्यू में से वाटर को निकाला जाता है। और इसके लिए मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो अल्कोहल यूज़ करते हैं जिसका कंसंट्रेशन होता है लोअर टू हायर, यानी कि 70%, 80%, 90% और 100%। ओके, तो डिहाइड्रेशन के स्टेप में हम अल्कोहल का यूज़ करके टिश्यू में से वाटर को रिमूव करते हैं। अब थर्ड स्टेप है क्लियरिंग, जिसको हम डी अल्कोहलाइजेशन भी बोलते हैं। अब अल्कोहल ने टिश्यू में से वाटर को तो रिमूव कर दिया, लेकिन अल्कोहल टिश्यू के अंदर आ गया, और अल्कोहल भी पैराफिन वैक्स के साथ सॉल्युबल नहीं होता, तो इस अल्कोहल को भी रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्लियरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ज़ाइलिन। ज़ाइलिन जो होता है वो टिश्यू में से अल्कोहल को रिमूव कर देता है, और ये जो ज़ाइलिन है ये पैराफिन वैक्स के साथ भी सॉल्युबल होता है। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने टिश्यू में से अल्कोहल को रिमूव कर दिया है ज़ाइलिन की हेल्प से। अब फोर्थ स्टेप है इम्प्रेगनेशन और इन्फिल्ट्रेशन, और इस फोर्थ स्टेप में हम यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स क्या करता है, टिश्यू को एक इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करके रखता है, और जो भी सेल्स के बीच में स्पेस है उसको कवर कर देता है ये पैराफिन वैक्स। ओके, तो टिश्यू प्रोसेसिंग का ये मेन स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एम्बेडिंग, जिसको हम कास्टिंग और ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एम्बेडिंग से टिश्यू को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। इम्प्रेगनेशन में क्या था कि जो टिश्यू है, सेल्स है, उनको इंटरनल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन एम्बेडिंग में टिश्यू को एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, बाहर से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं वो बहुत लचीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो हम उसको ईजिली कट नहीं कर सकते, तो इसीलिए टिश्यू को बाहर से एक सपोर्ट दिया जाता है, एक हार्डनेस दी जाती है, ताकि हम उसको ईजिली कट कर सकें नाइफ से। ओके, तो टिश्यू को बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए हम जिस मीडिया का यूज़ करते हैं, जिस एम्बेडिंग मीडिया का यूज़ करते हैं, उसका नाम है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एम्बेडिंग मीडिया, और इसके अलावा और भी मीडिया है जैसे कि कार्बोवैक्स, पैराप्लास्ट, ठीक है, लेकिन जो चीप है वो पैराफिन वैक्स है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एम्बेडिंग में हम लिक्विड पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 56 टू 58 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे करते हैं आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एम्बेडिंग मशीन, और इसमें हम एम्बेडिंग करते हैं टिश्यू की। क्या करते हैं कि जो मोल्ड्स होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं कि जो मोल्ड हैं, इसमें हम पैराफिन वैक्स, लिक्विड पैराफिन वैक्स को फिल करते हैं, और टिश्यू को उस मोल्ड में रख के ऊपर से कैसेट से कवर कर देते हैं, और फिर से थोड़ा सा लिक्विड पैराफिन वैक्स उसमें फिल कर देते हैं, और एक रेफ्रिजरेटर में या फिर कोल्ड वाटर में हम उसको मोल्ड को रख देते हैं 10 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो टिश्यू का ब्लॉक है वो हार्ड हो जाए। ठीक है, हार्ड होने के बाद क्या करेंगे कि जो मोल्ड है उसको हम रिमूव कर देंगे कैसेट से। तो आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टिश्यू जो है वो पैराफिन वैक्स के साथ कैसेट से अधेयर हो जाएगा, और इस तरीके से टिश्यू को एक हार्डनेस प्रोवाइड होगी और हम उसको ईजिली कट कर सकेंगे, और इसको हम बोलते हैं टिश्यू ब्लॉक। एम्बेडिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू है वो तो ब्लॉक के अंदर है ना, वैक्स के अंदर है, तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जो टिश्यू ब्लॉक है उस ब्लॉक के ऊपर जो वैक्स है, एक्स्ट्रा जो वैक्स है उसको हमें हटाना होता है, उसको रिमूव करना होता है, ताकि जो टिश्यू है वो एक्सपोज हो सके बाहर। तो इसके लिए हम टिश्यू ब्लॉक की ट्रिमिंग करते हैं नाइफ से, ताकि जो टिश्यू है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो सके। ट्रिमिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेक्शनिंग ऑफ ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टिश्यू का ब्लॉक है उसको हम माइक्रोटॉम मशीन के ब्लॉक होल्डर में फिक्स करते हैं, और अपने माइक्रोटॉम मशीन को हम इस तरीके से सेट करते हैं ताकि जो सेक्शन है वो कट कर सके हम 3 to 5 माइक्रोन मीटर में। सेट करने के बाद हम माइक्रोटॉम मशीन की हेल्प से टिश्यू के सेक्शन को कट करने लगते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि कट करते वक्त एक रिबन जैसा लेयर निकलता है, और इस लेयर या फिर सेक्शन की जो थिकनेस होती है वो 3 to 5 माइक्रोन मीटर की होती है। इस थिन सेक्शन को निकालने के बाद हम इसको वाटर बाथ में फ्लोट कर देते हैं, और जिसका टेम्परेचर होता है 50 to 52 डिग्री सेल्सियस। हम इसमें फ्लोट क्यों कराते हैं, ताकि इस सेक्शन में जो भी फोल्ड्स हैं, जो रिंकल्स हैं, वो रिमूव हो जाएँ। इसके बाद हम ऐसी स्लाइड की हेल्प से सेक्शन को पिक करेंगे जिस स्लाइड्स पर मायर्स एग एल्बुमिन या फिर जिलेटिन कोटेड होता है। क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि जो एग एल्बुमिन और जो जिलेटिन है उसकी हेल्प से जो सेक्शन है वो ईजिली स्लाइड पे अधेर हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसके बाद टिश्यू के सेक्शन को पिक करने के बाद टिश्यू के सेक्शन को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद स्लाइड की जाती है स्टेनिंग, लेकिन स्टेनिंग जो होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, और हमारे टिश्यू में जो हमने अभी प्रिपेयर किया है उसमें वाटर नहीं है, तो सबसे पहले हमें टिश्यू को डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम टिश्यू को क्या करेंगे, डी पैराफिनाइजेशन करेंगे टिश्यू का, ठीक है, यानी कि उस स्लाइड में जितना भी वैक्स है, टिश्यू में जो भी वैक्स है वो हम उसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम टिश्यू के जो सेक्शन है, स्लाइड है, उसको हम हॉट प्लेट पर रखेंगे, ताकि जितने भी वैक्स है वो मेल्ट हो जाए स्लाइड से, और सिर्फ टिश्यू ही स्लाइड पे हो। इसके बाद हम टिश्यू के सेक्शन को ज़ाइलिन से ट्रीट करेंगे। जो ज़ाइलिन होता है वो पैराफिन वैक्स के साथ सॉल्युबल होता है, तो टिश्यू के अंदर जितना भी बचा कुचा वैक्स है, पैराफिन, वो ये ज़ाइलिन कम्प्लीटली रिमूव कर देता है।
इसके बाद हम टिश्यू के सेक्शन को क्या करते हैं, अल्कोहल से हाइड्रेट करते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें जो हम अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 100% अल्कोहल, 70% अल्कोहल और फिर 50% अल्कोहल। तो इस तरीके से हमें टिश्यू को हाइड्रेशन की तरफ लेके जाना है ताकि टिश्यू जो है वो हाइड्रेट हो सके। अब हाइड्रेशन स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब टिश्यू जो है हाइड्रेट हो गया है तो अब हम उसको ईजिली स्टेन कर सकते हैं टिश्यू के सेक्शन को। तो हिस्टोपैथ में जो मोस्ट कॉमनली रूटीन में जो स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है वो होता है हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग। बट अगर हमें टिश्यू में कुछ स्पेशल चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी है, जैसे कि अगर हमें कॉलेजन मसल्स फाइबर डेमोन्स्ट्रेट करने हैं तो उसके लिए हम ट्राइक्रोम स्टेन करते हैं। अगर हमें टिश्यू में आयरन की स्टोरेज को चेक करना है तो हम पास स्टेन करते हैं। अगर हमें लिपिड की स्टोरेज को चेक करना है तो हम लिपिड स्टेन करते हैं। तो ये है कुछ स्पेशल चीज़ देखने के लिए कुछ स्पेशल स्टेनिंग। बट जो रूटीनली की जाती है वो होता है हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग, HNE स्टेनिंग। ठीक है, तो अभी हम HNE स्टेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, HNE स्टेनिंग पे मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल अभी मैं शॉर्ट में कवर कर रही हूँ। ओके, तो टिश्यू जो जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो हम उसको HNE स्टेनिंग से स्टेन करेंगे। अब टिश्यू स्टेन हो चुका है तो अब क्या करेंगे, अब हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है तो अब हम टिश्यू में से वाटर को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम अल्कोहल का यूज़ करके टिश्यू को डिहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, यानी कि पानी को निकालेंगे। तो इसके लिए जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं वो होता है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सबसे पहले 60% 80% और फिर 100% अल्कोहल का यूज़ करके हम टिश्यू में से वाटर को रिमूव करेंगे। अब इस स्टेप में हमारे टिश्यू में से वाटर जो है वो रिमूव हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल आ गया है टिश्यू में तो उसको हम ज़ाइलिन से ट्रीट करेंगे। टिश्यू के स्लाइड को हम ज़ाइलिन से ट्रीट करेंगे और जो ज़ाइलिन है वो टिश्यू में से अल्कोहल को रिमूव कर देता है। ओके, तो स्टेनिंग का हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम टिश्यू के सेक्शन को, जो टिश्यू की स्लाइड है उसको हम माउंट करेंगे DPX से। इसकी फुल फॉर्म है डाइब्यूटिल फैलेट। क्या फंक्शन होता है इसका, क्यों माउंट करते हैं हम इससे स्लाइड? इससे क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ठीक है, जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी है वो एज इट इज़ बनी रहती है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू की स्लाइड है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके हम उसको रख सकते हैं। तो DPX से ये एक फ़ायदा होता है माउंट करने का। तो अब हमने टिश्यू के सेक्शन को स्टेन भी कर लिया है, उसको DPX से माउंट भी कर लिया है। अब जो लास्ट स्टेप बचता है वो होता है माइक्रोस्कोपी। तो स्लाइड को DPX से माउंट करने के बाद पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन स्लाइड को एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में और जो भी डिजीज़ है उसकी स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में जाना कि क्या होता है, किस तरीके के सैंपल यहाँ पे प्रोसेस किए जाते हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।